हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सोने वाली परी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गहरी नींद में सोने वाली परी की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में कंचन नाम की एक परी रहती थी। कंचन परी अपना ज्यादातर समय पृथ्वी पर बिताया करती थी। पृथ्वी पर रहने वाली अनीता नाम की लड़की से कंचन की अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों अक्सर साथ में घूमने जाया करते थे। इस तरह एक दिन कंचन परी और अनीता उसके गांव की लड़कियों को अपनी जादुई कालीन पर बैठाकर जंगल की सैर करा रही थी कि तभी अचानक उन्हें एक खूबसूरत फलों का बगीचा दिखाई देता है। वो देखो कंचन, नीचे जंगल में फलों का बगीचा है, वहाँ ढेर सारे फल लगे हैं। कंचन, हमें फल खाने की बहुत इच्छा हो रही है, चलो अपनी जादुई कालीन को नीचे ले चलो, फिर हम बगीचे से ढेर सारे ताजे फल तोड़कर खाएंगे। अरे हमें इसके लिए नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं बैठे बैठे सारे फल तोड़ दूंगी। इतना कहकर कंचन अपना जादुई तीर कमान प्रकट कर देती है। अब ये मेरा जादुई तीर सारे फलों को तोड़कर हमारे पास ले आएगा। उसके बाद कंचन तीर चला देती है और वो तीर हवा में उड़ता हुआ बगीचे में पहुंच जाता है। एक एक कर ढेर सारे फलों को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर अगले ही पल वो सभी फल हवा में उड़ते हुए कंचन की जादुई कालीन पर आ जाते हैं। ये देख सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो सभी हवा में उड़ते हुए फल खाने का मजा लेने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जादुई कालीन एक पहाड़ी के ऊपर गुजरती है। तभी अनीता देखती है कि पहाड़ी की चोटी पर एक औरत कुछ लोगों को कैद कर उनकी पिटाई कर रही है। अरे वो देखो कंचन परी, पहाड़ी की चोटी पर एक औरत लोगों को मार रही है। अरे ये तो एक जादूगरनी है, लगता है ये लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर ले आई है, हमें इन लोगों को बचाना होगा। उसके बाद कंचन अपनी जादुई कालीन पहाड़ी की चोटी के पास ले जाती है और जादूगरनी की बातें सुनने लगती है। जादूगरनी ने बहुत सारे लोगों को रस्सियों से बांध रखा था और वो कोड़े से उनकी पिटाई कर रही थी। आखिर तुम हमें पकड़कर यहाँ क्यों लाई हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो हम सभी परिवार वाले लोग हैं, हम पर रहम करो और हमें आजाद कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं, आज से तुम सभी लोग मेरे गुलाम हो, अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। इतना कहकर जादूगरनी अपनी शक्ति से उन सभी लोगों को जानवरों में बदलकर वहां पास में मौजूद गुफा में आराम करने चली जाती है। ये तो बहुत ही खतरनाक जादूगरनी है, इसने सभी लोगों को जानवर बना दिया। तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों को इनके असली रूप में ला देती हूँ। इतना कहकर कंचन परी अपनी जादुई कालीन जानवर बने इंसानों के पास ले जाती है और अपनी जादुई छड़ी से सभी लोगों को फिर से इंसान बना देती है। उसके बाद वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और कंचन परी भी अपनी सहेलियों के साथ वहां से जाने ही वाली थी कि तभी अचानक वहां जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से कंचन की कालीन को रोक लेती है। ठहर जा, कहाँ जा रही है? तूने मेरे गुलामों को आजाद करके ठीक नहीं किया, अब तू नहीं बचेगी। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ एक बहुत बड़ा जादुई चुंबक प्रकट कर देती है और फिर अगले ही पल वो चुंबक कंचन परी को अपनी ओर खींच लेता है और कंचन परी उस बड़े से चुंबक के साथ चिपक जाती है। उसके बाद जादूगरनी कंचन परी की जादुई छड़ी तोड़ देती है। अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी बल्कि एक अनोखी सजा दूंगी और तुझे जिंदगी भर के लिए गहरी नींद में सुला दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगती है और देखते ही देखते कंचन परी गहरी नींद में चली जाती है। उसके बाद जादूगरनी कंचन परी की जादुई कालीन पर बैठकर वहां से दूर चली जाती है।
अरे ये क्या हो गया, उस दुष्ट जादूगरनी ने हमारी सहेली को नींद में सुला दिया, अब हम क्या करें? फिर मजबूर होकर अनीता और बाकी लड़कियां कंचन परी को उठाकर अपने गांव ले जाती हैं। फिर वो सभी बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों को बुलाकर कंचन परी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। दूसरी तरफ धीरे धीरे कंचन परी का शरीर काला पड़ने लगा था। ये देख अनीता घबरा जाती है। अनीता, मुझे लगता है कंचन परी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें परिदेश जाकर रानी परी से मदद मांगनी चाहिए। फिर अगले दिन अनीता अपनी सहेलियों के साथ परिदेश पहुंच जाती है और रानी परी को सारी बात बता देती है। उस दुष्ट जादूगरनी की इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रानी परी जादूगरनी को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। तूने कंचन नाम की एक परी को गहरी नींद में सुलाया है, चल उसे पूरी तरह ठीक कर दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। लेकिन जादूगरनी रानी परी से जरा भी नहीं घबराती और उस पर हमला कर देती है। लेकिन रानी परी बहुत ही शक्तिशाली थी, जादूगरनी के वार का उस पर कोई असर नहीं होता। रानी परी जादूगरनी को रस्सियों से बांध देती है। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई तोते से कंचन परी को ठीक करने का उपाय पूछने लगती है। जादुई तोता रानी परी को बताता है कि जादूगरनी के बाल काटकर उन्हें कंचन परी के सामने जला दिया जाए, उसके धुएं से कंचन परी फिर से होश में आ जाएगी। रानी परी उसी वक्त जादूगरनी के सारे बाल काट लेती है। बालों के कटते ही जादूगरनी की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और वो बूढ़ी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके बाद रानी परी कंचन परी के पास पहुंच जाती है और उसके सामने जादूगरनी के बालों में आग लगा देती है। देखते ही देखते पूरे कमरे में धुआं फैल जाता है और थोड़ी ही देर में कंचन परी को होश आ जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कंचन परी फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों सोती हुई परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोग चाहे जितने भी चालाक हो, लेकिन एक ना एक दिन अच्छाई के हाथों उसका अंत होकर ही रहता है और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।